दोस्तों, हमारे आसपास की दुनिया में जो भी हमें दिखाई सुनाई या हम किसी भी चीज को महसूस कर पाते हैं, तो वो सब हमारी पृथ्वी का ही बनाया हुआ है। वे सभी चीजें पृथ्वी पर ही ग्रो होती हैं और पृथ्वी के अन्य पर्यावरण पर भी निर्भर रहते हैं। पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन समाया हुआ है, और आप इस बात से भी एग्री करोगे कि हम सभी मानव, जानवर, पक्षी और पेड़ सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं और एक दूसरे से किसी न किसी तरह जुड़े हुए भी हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पृथ्वी ने जीवन की डोर को अपने एक ही धागे से बांधकर संभाला हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर ये जीवन का धागा टूट जाए या कहीं पृथ्वी पर ऐसी कयामत आ जाए जिससे जीवन को बचा पाना पूरी तरह नामुमकिन हो जाए, तो उस पल हम सभी का क्या होगा? क्या वो पृथ्वी और हमारा आखिरी दिन होगा? वेल, ऐसा हादसा 6,60,00,000 साल पहले हुआ था, जब पृथ्वी पर एक विशाल एस्ट्रॉइड गिरा था जिसने डायनासोर्स की पूरी प्रजाति का ही अंत कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अगर पूरी दुनिया में अचानक ये न्यूज फैल जाए कि एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड या उससे भी बुरा कहे तो एक रॉक प्लेनेट सीधा हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो उस समय पृथ्वी का हाल कैसा होगा? और उस रॉक प्लेनेट के टकराने से पृथ्वी पर हम मानवों का क्या होगा? क्या हम इस हादसे से किसी तरह बच पाएंगे? वेल, ये सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड टीवी के आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, अगर आप रॉक प्लेनेट के बारे में नहीं जानते तो रॉक प्लेनेट असल में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को कहा जाता है, लेकिन वे साइज में एक ग्रह के जैसे होते हैं। उनका मास भी एक नॉर्मल प्लेनेट जितना होता है, पर बिना प्लेनेटरी सिस्टम के ये इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल करते रहते हैं। ऐसे स्पेस ऑब्जेक्ट अपने सौर मंडल से किसी तरह बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद वे ग्रेविटेशनल बाउंड से भी पूरी तरह फ्री हो जाते हैं। अभी तक 50 बिलियन रॉक प्लेनेट को हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में खोजा जा चुका है। तो ऐसे में अगर कोई भी अननोन रॉक प्लेनेट हमारे सौर मंडल में आ जाए और ग्रेविटी के बाउंड से वह सीधा पृथ्वी की ओर आ जाए, तो उस समय पृथ्वी को बचा पाना पूरी तरह नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ये नज़ारा हमारे लिए कैसा होगा और पृथ्वी से ये रॉक प्लेनेट कैसा दिखाई देगा? वेल, इम्पैक्ट से कुछ हफ्तों पहले ये हमें ग्रह काफी छोटे तारे के जैसा दिखाई देना शुरू करेगा, जो समय दर समय बड़ा होता जाएगा। कुछ दिनों के लिए ग्रह का ये दृश्य हमें काफी पसंद भी आएगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा पृथ्वी के वातावरण में भी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, जो हमारे फेवर में बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्योंकि जैसे ही ये रॉक प्लेनेट चांद के डिस्टेंस को क्रॉस करेगा, पृथ्वी पर समुद्रों के भावों में काफी ज्यादा बदलाव आने लगेंगे, क्योंकि ये ग्रह की स्पीड उस समय लगभग 60 किलोमीटर पर सेकंड की होगी। तो उस समय हाई टाइड्स के कारण लहरें 8 से 10 गुना ज्यादा ऊंची आने लगेंगी, जो पृथ्वी पर मेगा सुनामीज की शुरुआत करेगी, जिससे पृथ्वी का मौसम भी पूरी तरह बिगड़ना शुरू हो जाएगा। चारों तरफ हमें बड़े बड़े तूफानों के चक्रवातों का सामना करना पड़ेगा। मतलब उस समय हम सभी को रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि पृथ्वी अब हमें बिल्कुल भी बचा नहीं पाएगी। जैसे ही ये रॉक प्लेनेट पृथ्वी के वातावरण में एंटर करना शुरू करेगा, उस समय ये दृश्य बहुत ही ज्यादा खौफनाक भी होगा, क्योंकि वातावरण के बिखरने के बाद चारों तरफ भूकंप, ज्वालामुखी के विस्फोट सारे शहरों को तबाह कर रहे होंगे। और उससे भी बुरा, पूरे आसमान को ढक रहा ये ग्रह पृथ्वी से टकराने के बस कुछ ही मिनट दूर होगा। इम्पैक्ट के कुछ नैनो सेकंड्स पहले दोनों प्लैनेट्स के अपने एटमॉस्फेयर आपस में कंप्रेस होने लगेंगे, जिससे वे काफी चमकते हुए दिखाई देंगे। इम्पैक्ट के दौरान पृथ्वी की रोटेशन पूरी तरह रुक जाएगी और इम्पैक्ट इतना डेडली होगा कि खाली शॉकवेव की गर्मी से ही पूरी पृथ्वी खोलते लावे के जैसे जलने लगेगी। ये रॉक प्लेनेट के इम्पैक्ट से पृथ्वी का कोर भी पिघलने लगेगा। अब पृथ्वी का कोर भी पिघल गया है तो किसी भी पल पृथ्वी पूरी तरह तबाह हो सकती है। जो लोग इस इवेंट से खुद को एडवांस स्पेसशिप के जरिए किसी तरह बचा पाने में सक्षम होंगे, उनको अब पृथ्वी का नजारा कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें पृथ्वी के बचे टुकड़े या तो हमें किसी अन्य ऑर्बिट पाथ पर फॉलो करते हुए दिखाई देंगे, या तो वह पास के ग्रहों से टकरा रहे होंगे। अब कोई भी नहीं कह पाएगा कि पृथ्वी पर इंटेलिजेंट लाइफ हुआ करती थी, जो ब्रह्मांड की दुनिया में अपने नए घर की तलाश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये सब महज एक थ्योरी है जो अभी कई लाखों सालों तक नहीं होने वाली, लेकिन कुछ फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स हैं जिसमें कई एस्ट्रॉइड्स की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट किया गया है कि वे पृथ्वी से फ्यूचर में टकरा सकते हैं। उन एस्ट्रॉइड्स में सबसे टॉप पर जिसका नाम आता है वो है बेनु एस्ट्रॉइड। अगर आप बेनु एस्ट्रॉइड के बारे में नहीं जानते तो मैंने पहले से ही इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर आई बटन पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।